कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विकास कुमार जैन, श्रीमती संगीता जैन, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती अन्विता जैन, श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, JMB परिवार, फर्म उत्तम भोग, जैन मिठाई भंडार, वाइब्रेंट पॉलीमर्स, इंदौर, मध्य प्रदेश। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, मैं हूँ आयुषी गौड़ और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, युग शिरोमणि परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना जीवन समर्पित करने वाले ललितपुर उत्तर प्रदेश के श्री पंकज जी जैन को आज कौन नहीं जानता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य श्री के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 धर्म सागर जी महाराज की। सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र श्री नेमावर्जी में आचार्य श्री के कर कमलों से मुनिपद की दीक्षा से अलंकृत हुए परम पूज्य मुनि श्री 108 धर्म सागर जी महाराज आज 25 वर्षों से निरंतर आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलकर न केवल अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, बल्कि अपनी अनुभव प्रसुत वाणी के माध्यम से जिन संदेशों को जन जन तक पहुँचाकर लोक कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए हैं। तो आइए दर्शकों, जिनवाणी चैनल की विशेष प्रस्तुति के माध्यम से दर्शन करते हैं पूज्य मुनिराज के गौरवमय जीवन के कुछ पावन प्रसंगों का। भारत में अगर संत ना होते तो लोगों को सत्य का साथ न मिलता और ना ही मिल पाती सदगति एवं सदकार्यों में योगदान। आर्यवत भारत सदा से ही संतों की भूमि रहा है, जहां प्राचीन काल से अनेक ऋषियों ने जन्म लेकर इस भूमि को धन्य किया है। भगवान आदिनाथ से चलकर भगवान महावीर तक चली आ रही अक्षुण परंपरा, जिसे 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज दक्षिण ने आगे बढ़ाया, उन्हीं की अविरल धारा आगे चलकर महाकवि ज्ञान सागर जी महाराज में सम्मिलित हुई और आगे चलकर ज्ञान की ये धारा परम पूज आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज तक सरोवित हुई, जिन्होंने अपनी त्याग तपस्या से समूचे विश्व को आलोकित कर जन जन का उद्धार किया और न जाने कितने युवाओं ने उनके चरणों में दीक्षा लेकर आत्म कल्याण का मार्ग अपनाया। उनका हर शिष्य स्वयं में आलोकित है और जैन समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए कुटिया भी दुल्हन सी लगे, कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए। धर्म बिना संसार में कोई न वस्तु सार, धर्म बिना तू जान ले जीवन तेरा बेकार। ये पंक्तियाँ उस मौन साधक की हैं जो हमेशा मौन साधना में तल्लीन रहते हैं, लेकिन उनकी कलम अपने गुरुदेव के गुणगान के लिए सदा मुखरित रहती है। आचार्य भगवान पर सैकड़ों कविताएं लिखने वाले और मौन साधना में विश्वास करने वाले मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर में विक्रम संवत 2033 आषाढ़ शुक्ल 13/9/1976 दिन शुक्रवार को हुआ। Oh,
माताजी श्रीमती सावित्री देवी और पिता श्री विनोद कुमार जैन ने सुकाल से बालक का प्रफुल्लित होकर नाम रखा पंकज जैन। पंकज यानी कि कमल पुष्प। जैन परिवार के बगिया में पुष्प बने पंकज को पाकर जहां माता धन्य हो रही थी, वहीं परिवार के सबसे छोटे संतान होने के कारण पूरे परिवार की आंखों के तारे थे। दो बहन और एक बड़े भाई के बीच बचपन में पंकज बड़े वात्सल्य से रहे। प्राथमिक, जूनियर और लौकिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद पंकज जैन ने बीएससी, बीए रेडियो, टीवी मैकेनिकल डिप्लोमा कर उच्च शिक्षा प्राप्त की। धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, वैसे ही पंकज भी बाल्यकाल से युवावस्था की ओर बढ़ रहे थे। माता पिता अब बस पंकज के भविष्य को लेकर मनोहारी कल्पनाएं कर रहे थे, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। पंकज को कीचड़ की तरह संसार न भाया और सब कुछ छोड़कर 16 सितंबर 1997 को उत्तम संयम धर्म के दिन मात्र 21 वर्ष की आयु में मध्य प्रदेश के जिला नेमावर सिद्ध क्षेत्र में ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर गुरु चरणों में अपना संपूर्ण जीवन समर्पण किया। जिस दिन तो मतलब हमको सपना आया, बड़े बाबा चले आ रहे हैं, बड़े बाबा हमारे घर की तरफ चले आ रहे हैं। तो थोड़ी देर पाँच दो ही तीन मिनट में हमारी आँख खुल गई। फिर तो हमें लगा, हमने किसी से नहीं कहा कि क्या है, लेकिन हमें लगा कि बड़े बाबा दर्शन दे रहे हैं। बड़े बाबा बड़वान में हम पड़े हैं, वहाँ रहे हैं। लगभग दो वर्ष बाद दिगंबर सरोवर के राजहंस परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 22 मार्च सन 1999 वैशाख शुक्ल सप्तमी को दिगंबर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर मध्य प्रदेश में मुनि दीक्षा प्रदान कर नाम दिया परम पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज। धर्म सागर यानी कि धर्म को अपने जीवन में उतारने वाले। जैन धर्म के प्रति लगन और तपस्या से अपने नाम को सार्थक करते हुए मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज ने अनेक मांगलिक कार्यक्रम एवं धार्मिक आयोजन किए। मुनिश्री के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रमों में जैन समाज के लोगों को धर्म से जोड़ने के साथ और उन्हें आत्म कल्याण का मार्ग दिखाया। ओम नमो भगवते वशिष्ठाय शांति किराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगापत्ति विनाशनाय सर्व परकृष्ट शत्रु उपद्रव विनाशनाय सर्वशाम नामविघ्न विनाशनाय ओम राम ह्रीं ब्रूं ब्रौं ह्रास्यौ नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। सभी लोग कुरु कुरु बोलेंगे। ओम ब्रूं श्रूं पट कीटिं कीटिं गाते गाते परमनाय स्फुट स्फुट सहस्रनाम कुरु कुरु परमुद्रां चिं चिं परमुद्रां बिंद बिंद चाम च भाव ओम पट सर्वशान्तिं। सिद्ध समान जो सब नहीं और ना नाम विख्यात कहू न जग में सब करे तो ये दृढ़ कहला उम्र मरम दृढ़ यशे न मार्गम नृपामी थी जन्म मरण के कष्ट सी सर्व लोग भयवल पुता को नाम भयल करण तुम्हें न मैंने उम्र मरम अभयंकराय न मार्गम नृपामी थी ज्ञानानंद सुलक्ष्मी भोगत हो संचे महाभोग याते भय या स्वाधीन के उम्र मरम महाभोगाय न मार्गम नृपामी थी साधारण असमान हो सर्वोत्तम उत्कृष्ट पर सो भिन्न अभिन्न हो पायु पद अवनेश ओम्रिमरम नरूपम्याय न मार्गम नृपामिति तद लक्षण सुख धर्म के राज संपदा भोग नाय घोर धर्म के पूजन में दियो जंगल जंगल पाद जली और पता चला है ऊंचे टीले पे गैया का दूध बहा है ऊंचे टीले पे गैया का दूध बहा है जंगल जंगल पाद चली और पता चला है हाँ जंगल जंगल बात चली और पता चला है मुझे
टीले पे गैया का दूध बहा है। हाँ ऊंचे टीले पे गैया का दूध बहा है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की भांति पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज मोक्ष साधक होने के साथ साथ कवि हृदय और चरित्र के धनी भी हैं। जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा का पालन करते हुए मुनि श्री ने अनेक जीवों को सदाचार एवं मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उन्हें सदमार्ग प्रदान किया है। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से पूज्य मुनिश्री धर्म सागर जी महाराज ने अतिशय क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र और अनेक तीर्थों की यात्रा करते हुए अपने सानिध्य में विधान वेदी प्रतिष्ठा शिलान्यास पाठशाला पंच कल्याणक आदि सानंद संपन्न किए। मुनिश्री ने मध्य प्रदेश के देवरी में सन 2014 में और सन 2015 में गौर झामर झालौन बिलहरा में भव्याति भव्य आयोजन किए, जिन्होंने 25,000 से लेकर 40,000 के जन समूह के बीच और चार्टर वायुयान द्वारा की गई पंच दिवसीय कल्याणकों में पुष्प वर्षा तो लोगों के मानस पटल पर अंकित ही हो गई है। बड़ा ही भव्य नजारा रहा महामहोत्सव का। गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई। बधाई हो बधाई मिल गाओ बधाई, बधाई हो बधाई सब गाओ बधाई। गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, बधाई हो बधाई मिल गाओ बधाई। इसके अलावा सन 2018-2019 में सागर बाधारी बरौदिया खितौला करेली करकबेल एवं वर्ष 2020 में देवरी में भी पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में ऐतिहासिक पंच कल्याणक हुए। परम पूज्य मुनिश्री धर्म सागर जी महाराज के सन 1999 में इंदौर, सन 2000 में अमरकंटक, सन 2001 में जबलपुर, सन 2002 में नीमावर और सन 2003 में फिर से अमरकंटक, सन 2004 में जबलपुर, सन 2005 में बीनावारा, सन 2006 में फिर से अमरकंटक, सन 2007 में बीनावारा, सन 2008 में रामटेक, सन 2009 में एक बार फिर
अमरकंटक और वर्ष 2010 में बीना बारा, वर्ष 2011-12 में चंद्रगिरी, वर्ष 2013 में रामटेक, इन सभी जगहों पर जगत गुरु आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के साथ मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज ने चातुर्मास संपन्न किए। इसके बाद वर्ष 2014 में पनागर, वर्ष 2015 में तेंदुखेड़ा, वर्ष 2016 में मंडला, वर्ष 2017 में छपारा एवं वर्ष 2018 में गौरझामर, वर्ष 2019 में करेली, वर्ष 2020 में बीना और इसके साथ ही सन 2021 में चातुर्मास बांधाजी में संपन्न हुआ। सन 2022 चातुर्मास भोपाल। सन 2022 बेदी प्रतिष्ठा महोत्सव गोपालगंज सागर में, बेदी प्रतिष्ठा महोत्सव बांदरी जिला सागर, सिद्ध चक्र महामंडल विधान चौक भोपाल। सन 2022 श्रावक संस्कार शिविर भोपाल, सिद्ध चक्र शताधिक मंडल विधान जवाहर चौक भोपाल, शहशकुर जिनालय शिलान्यास एमपी नगर भोपाल, 24 समोषण विधान सोनागिरी भोपाल, महामस्तिकाभिषेक कलशारोहण सिद्धार्थ लेक भोपाल, महामस्तिकाभिषेक कलशारोहण काला पीपल कलशारोहण सुजालपुर। सन 2023 सिद्ध चक्र 512 मंडल विधान उदयनगर इंदौर। सन 2023 सिद्ध चक्र मंडल विधान नसिया इंदौर। सन 2023 पंचकल्याणक महोत्सव कुमेड़ी इंदौर। सन 2023 72 समोषण विधान स्मृति नगर इंदौर। धर्म के मार्ग पर चलकर कठिन तपस्या और साधना को भली भांति निभा रहे पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की मधुर वाणी तो सभी को मंत्र मुग्ध कर देती है। मुनि श्री के श्री मुख से निकले उपदेश लोगों को निज आत्म कल्याण करने वाले होते हैं। दर्शकों, अभी आपने आनंद लिया परम पूज्य मुनि श्री 108 धर्म सागर जी महाराज की प्रेरणादायी संयम जीवन यात्रा का। आपको अवगत करा दें कि मुनि श्री ने 22 अप्रैल 1999 को सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र श्री नीमावरजी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज से मुनिपद की दीक्षा प्राप्त की थी और तब से लेकर आज तक परम पूज्य मुनि श्री 108 धर्म सागर जी महाराज कठोर तपस्या एवं प्रबल अनुशासन से आत्मशुद्धि के मार्ग पर निरंतर अग्रसर है। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक थे श्री विकास कुमार जैन, श्रीमती संगीता जैन, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती अन्विता जैन, श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, JMB परिवार, फर्म उत्तम भोग, जैन मिठाई भंडार, वाइब्रेंट पॉलीमर्स इंदौर, मध्य प्रदेश।